सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने लो एंड पीसी में गैरेना फ्री फायर डाउनलोड करके खेल सकते हो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने सुना कि हम कैसे गैरेना फ्री फायर अपने पीसी में यानी लो एंड पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको कोई सा भी अपना ब्राउज़र खोल लेना है, उसमें गूगल खोल लेना है। एंड वहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सर्च बार पर जाना है एंड सर्च करना है LD प्लेयर एंड जस्ट यहाँ पर हमको एंटर दबा देना है या फिर सर्च कर देना है जैसे करते हैं। एंड जो यहाँ पे फर्स्ट ऑफिशियल लिंक है जो LD प्लेयर की, यहाँ पे जाना है आपको LDPlayer.net पे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे सिंपली। एंड गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे LD प्लेयर लिखा हुआ आ रहा है एंड यहाँ पे बहुत ही ऑसम इंटरफेस देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमको जाना है, यहाँ पे देख सकते हो फ्री फायर का आ रहा है। चलो ये तो गाइस मैंने आपको शो करने के लिए दिखाया था, तो हमको ऊपर वाला डाउनलोड करना है क्योंकि नीचे वाला करोगे तो वो ज़्यादा खास नहीं है, तो हम ऊपर वाला डाउनलोड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देखिए सेव कर लेना है, आप में अलग आ सकता है, तो हमारा ओपेरा है तो जस्ट ऐसा आ रहा है, तो हम जल्दी से इसको सेव कर लेते हैं कहीं पे भी। एंड ये फाइल कुछ ऐसी सेव हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत छोटी सी चीज़ डाउनलोड हो जाएगी गाइस ये, क्योंकि ये एक इंस्टॉलर है, इसके अंदर हमको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंस्टॉल होता है LD प्लेयर, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ साइड में रख लेते हैं। एंड जस्ट इसे वन क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है आपका ऐसा ना है तो स्टिक पे आपको मार्क कर देना है। एंड यहाँ पे आप सेटअप पैथ भी कर सकते हो जहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है। मेरा कहने का मतलब जहाँ पे आपको LD प्लेयर की फाइल सेव करनी है, जहाँ पे सारी फाइल सेव होगी LD प्लेयर की, तो मैं सिलेक्ट कर ली है। एंड यहाँ से हमको सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हमारी इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी। तो हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि जल्दी से हो जाए गाइस, ज़्यादा भी नहीं है, 417 MB की है तो हो जाएगी जल्दी से जल्दी। तो जैसे कि हम गाइस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इतना डाउनलोड हो चुका है, इतना जो था हमारा ये डाउनलोड का था एंड जो इतना बचा ये इंस्टॉलेशन हो रही है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रही है तो इसको होने देते हैं। तो गाइस जैसे कि हम देख सकते हैं इंस्टॉल कंप्लीट, यहाँ से इंस्टॉल हो चुका है एंड यहाँ पे हम जस्ट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। एंड जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दो LD प्लेयर आ गए हैं, एक तो वो है इंस्टॉलर और एक है रियल LD प्लेयर सेटअप जो हो चुका है LD प्लेयर इमुलेटर। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे सबसे पहले ताकि यहाँ पे मिस्टेक ना हो जाए। तो ये इंस्टॉलर था जिसको हमने डिलीट कर दिया एंड यहाँ पे है इमुलेटर, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारा LD प्लेयर ओपन हो चुका है एंड का ये टाइम ले सकता है आपके पीसी में, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है तो ये थोड़ा बहुत प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इवेंट आ रखा है यहाँ पे कुछ LD प्लेयर का फ्री फायर के ऊपर। तो यहाँ पे हमको देखो कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे कुछ अपडेट कर रहा है अभी। तो वैसे आप फ्री फायर डाउनलोड कैसे करना है, सिस्टम ऐप्स में आके प्ले स्टोर पर आपको क्लिक करना है एंड थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ से अब हमको साइन इन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले अपना यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे हम स्किप कर लेते हैं, हमने डाल दिया ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे हम बैकअप को ऑफ कर लेते हैं क्योंकि हमको गेमिंग करना है, यहाँ पे हमको कुछ ज़्यादा चीज़ डाउनलोड नहीं करनी। एंड गाइज़ ये हमारा प्ले स्टोर खुल चुका है, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आप फ्री फायर के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे गेम खेल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये लूडो किंग, ये सब चीज़ खेल सकते हो। तो यहाँ पे हमको सर्च करना है फ्री फायर, तो यहाँ पे हमने फ्री फायर सर्च करना है, तो यहाँ पे हम फ्री फायर सर्च कर देंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आपका फ्री फायर आ जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना है एंड तो कुछ ऐसा दिखेगा हमको एंड इसको हमको जस्ट यहाँ से ओपन करना है।
एंड गाइस इस एलडी प्लेयर में एक बात बहुत सही है, मैंने सारे इम्यूलेटर चला के देख रखे हैं, ब्लू स्टैक भी नहीं चल पाता ज़्यादा अच्छे से, हैंग करता है, और नॉक्स प्लेयर भी एंड सारे चला रखे हैं, तो एलडी प्लेयर ही सबसे बेस्ट है जो हर पीसी में चल जाता है। हाई पीसी में तो बहुत ही अच्छे से चलता है, तो यहाँ पर देख सकते हो कितना फास्ट हो चुका है यहाँ पर हमारा इंस्टॉल। एंड गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एलडी प्लेयर 4.0 ही लें, क्योंकि अगर आप 3.0 लोगे तो आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि आपका फ्रेंड कौन है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि फ्री फायर में सब डिज़ाइनिंग नाम रखते हैं, तो 3.0 वाले में आपको उनके नाम के जो स्टाइल है वो नहीं दिखेगा एंड स्टाइलिश नाम होगा तो पता नहीं चलेगा कौन है। लेकिन अगर आप 4.0 वाला वर्जन करेंगे तो उसमें आपको सारे नाम अच्छे से दिख जाएंगे एंड डिज़ाइन भी सारे अच्छे से दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका इंटरफेस कुछ ऐसा, तो हम इसको कर लेते हैं लॉगिन। सो गाइज आपको साउंड में थोड़ा सा अभी देखना चेंज आएगा, तो ऐसा डर मत जाना क्योंकि ये बैकग्राउंड म्यूज़िक और गैरिना फ्री फायर का जो म्यूज़िक है दोनों का मिक्सअप हो गया है, तो कुछ ऐसा म्यूज़िक बज रहा है। एंड जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं हमारा फ्री फायर यहाँ ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। एंड जैसे गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ चल रहा है यहाँ पर अल्ट्रा पे, यहाँ पर अल्ट्रा हो रखा है। एंड यहाँ पे जिसकी देख सकते हैं इनवाइट में अगर हम चेक कराएं तो यहाँ पे आपको सबके नाम दिख जाएंगे, देखो पूरा डिज़ाइनिंग दिख सकता है, तो यहाँ पे सारे पंख वंख जितने भी हैं सारे दिखेंगे। एंड यहाँ पे हमने पैक डाउनलोड नहीं कर रखा, तो गाइस जैसे कि आज की इस वीडियो में मैंने कहा था कि कैसे अपने लो एंड पीसी में फ्री फायर डाउनलोड कर सकते हैं, तो वही बता के आज की इस वीडियो में हम एंड करते हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।